देखिए फ्रेंड्स, आज तीसरा दिन है हमारे यहाँ वर्ल्ड बॉयज का वर्ल्ड बॉयज हुए भी। और ये देखिए अभी थोड़ा बहुत ही काम मिलता है तो सारा फैला फैला हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे से ही होंगे। तो देखिए हम करते हैं ब्लॉग के शुरुआत आप बताइए लेटेस्ट अपडेट के साथ। देखिए फैला हुआ तो अभी ऐसा ही है जैसा आपने पहले देखा था, दो तीन दिन से आप देख ही रहे होंगे। और ये देखिए सारा कुछ कैसा फैला हुआ है। और यहाँ पर टीवी भी उतार दिया हमने, ये टीवी लगा हुआ था क्योंकि जब पुताई हो गई तो सारा कुछ उतारना ही पड़ता है, सारा खाली खाली हो गया है। तो ये पूरा कलरफुल सा कमरा था तो हम सोच रहे हैं अब इसको बिल्कुल वाइट करवाएंगे क्योंकि कलर देख देख के हम इतने बोर हो गए थे कई साल से, जैसे मतलब वाइट वाइट देख देख के बोर हो गए थे। तो हमने सोचा बिल्कुल अंदर तो वाइट या बिल्कुल कोई कलर कराएंगे तो क्रीम ये लाइट सा ही कोई शेड करवाएंगे बिल्कुल ही, वैसे कभी तो वाइट ही सोच रखा है। और अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। हम सोच रहे हैं 31 तारीख को गणपति जी की स्थापना है तो तब तक हम अपने ये वाइट वॉश का काम जो कि जहाँ पर हम स्थापना करेंगे कम से कम वहाँ तक तो पूरा ये मिस्त्री कर दे तो अच्छा ही है। ये शाम का भी अब रात का ही टाइम हो गया है, अभी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से सफाई करें, कहाँ, क्योंकि जब सारा सामान फैला रहता है तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ काम करना और कहाँ पर जाकर खत्म होगा। जब तक काम पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक तो ऐसा ही ये बना रहेगा सारे में अस्त व्यस्त। और बस अभी किचन का हमने सामान भी बाहर निकाला है लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है। गंदगी क्या, सामान इधर उधर फैला हुआ है क्योंकि अभी इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करने में पूरा दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। और मेरे ब्लॉग्स भी काफ़ी लेट आए हैं शाम शाम तक क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए और भी काम करने पड़ते हैं साथ साथ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो प्लीज़ जैसे कि मैं ब्लॉग डालूँ तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी जल्दी से, जिससे कि मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग डेली करती रहूँ। वैसे तो मैं डेली अपने चैनल पे ब्लॉगिंग करती हूँ लेकिन कई बार काम के सिलसिले में लेट हो जाता है, तो बने रहना हम मेरे चैनल में हमेशा और सब्सक्राइब लाइक तो करते ही रहना। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तभी मेरा चैनल आगे ग्रो हो पाएगा। तो चलो अब देखते हैं और कौन सा मुझे कौन कौन से काम निपटाने हैं, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ। और सारी हो गई अरबी उर्दू नहीं पता है हमारे यहाँ जी बताई कहीं कैसा रंग और कहीं कैसा रंग बच्चे डे हो रहे सारी बार पे पता नहीं कब तक होगी, एक बार काम छिड़वा दो लो बस फिर इससे तो पार पाना मुश्किल है, चाहे चिनाई का हो चाहे पुताई का हो पता नहीं कब तक होगा। देखो टाइम सो जा तो अच्छा ही है, सारे में यही हो रहा बस फैलापा सा फैला हुआ सारे में, क्या क्या संगवाओ क्या क्या वो करूँ मैं, ना दो के कपड़े धो के बैठे दुनिया भर के कपड़े हो गए थे, मशीन लगाई अभी कपड़े फैला के आई बर्तन मांजे खाना बनाऊंगी और मिस्त्री अभी आया भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारा नीचे से ऊपर तक देखिए सारा अस्त व्यस्त हुआ हुआ है, सारे जगह सामान फैला हुआ है। अब समझ भी नहीं आ रहा है मैं किस तरह से अपना काम निपटाऊं क्या करूं कैसे करूं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए इस तरह से सारे ये किताब कॉपी भी रजिस्टर भी काम के इस तरह से फैले हैं। और यहाँ पर ये देखिए कैसे पेटी में भर भर के सारे रजिस्टर वगैरह रख दिए हैं, तो क्योंकि ये है वाइट वॉश वगैरह करवाओ तो काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं समझ आ रहा कैसे निपटेगा ये काम, मेरे तो सिरदर्दी हो गई नीचे से लेकर ऊपर तक तीसरी चौथी मंजिल तक सारे सामान ही सामान फैला हुआ है। ये देखिए ये मंदिर तो यहाँ नीचे भी शिफ्ट कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है मंदिर, जब तक पुताई होती है तब तक तो यहीं पर ही मंदिर है, यहाँ पर हम आराम से पूजा कर सकते हैं। और देखिए उल्टा सीधा सामान जैसे भी है वो फैला हुआ है, आप देख ही रहे हैं काफ़ी कुछ मुझे काम करना है और काफ़ी तैयारी मुझे करनी है। अभी देखिए गणपति जी की स्थापना हम 31 तारीख में करेंगे तो उसकी भी मुझे पूरी तैयारी करनी है। और मैं देखती हूँ कि गणपति जी के लिए क्या, जैसे भोग के लिए क्या बनाऊँ, हर साल तो मैं अपने घर पर ही बनाती हूँ, वैसे तो कभी मैं बाजार से नहीं लाती, एक आध बार कभी ऐसा हुआ होगा किसी एक दिन आध दिन
कि हम भोग बाजार से ले आए, लेकिन ये है कि मैं अधिकतर अपने घर पर ही भोग बनाती हूँ। चलो भाई जल्दी जल्दी काम निपटा ले, समझ नहीं आ रहा क्या क्या काम करूं। ऊपर जाके भी ऊपर भी काम करना और थोड़ी सी मुझे पेंटिंग भी करनी। जैसा मुझे कुछ शौक है अपनी पुरानी चीजों को नया बनाने का, पुरानी पुरानी चीजों से मैं पेंट वगैरह करके या कुछ उसमें अपना DIY करके उसे नया बनाने का प्रयास करती हूँ, तो वही करती रहे बनाऊंगी कुछ। ये क्या रख दिया, ये अच्छा सर्वकल्प कुआर, इसका कहा भी पीना था बनाना था, अब तक तैयार नहीं करा। और ये देखो ये मेहंदी नीचे फैली हुई, पहले ऊपर थी ऊपर में, अब नीचे फैला दी है, क्योंकि मैं अपने घर गई थी जब अपने मायके, तो वहाँ पर पड़ोस में हरी मेहंदी के काफ़ी ज़्यादा झाड़े ऐसे पेड़ से लगे हुए हैं, तो वहाँ से ही मैं मेहंदी तोड़ कर ले आई थी। तो आपको तो पता ही है बिल्कुल अपने सामने की मेहंदी कितनी अच्छी रहती है, जो बाज़ार से हरी मेहंदी आती है पैकेट में तो उसमें अधिकतर मिलावट होती है फिटकरे की, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा रसती है और फायदे की जगह बालों को नुकसान ही पहुँचा सकती है। तो मैं तो अपने सबको तो खैर अवेलेबल नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हर जगह नकली मिलती है, लेकिन ओरिजिनल भी मिलती है कई जगह, लेकिन यह है कि मुझे मिल गई तो मैं ले आई। अब देखो यहाँ मिस्त्री की भी साइकिल यहाँ खड़ी, जो पुताई का मिस्त्री लग रहा है, तो धोई लिए थे मशीन लगा करके मैंने और उतार के लाती धूप में से, कितने सूख तो काफ़ी सूख गए होंगे क्योंकि धूप काफ़ी तेज है बरसात में, ऐसा तो है नहीं कि मशीन में वैसे सूख जाते हैं, बस थोड़ी बहुत देर की धूप लगानी पड़ती है। तो वो उतार के लाऊं और कुछ पेंटिंग वेंटिंग करनी है तो वो करूं। चलो फिर चलते हैं काम करने के लिए। अब इसलिए मैं कलर करूंगी, मैंने वाइट पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिला लिया है, ये करूंगी और इसके बाद मैं दे में जो कलर करूंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो करते हैं फटाफट से अपने कलर की शुरुआत। देखिए पुराना ही ब्रश पड़ा था मेरे पास, चलो जैसे भी मेरा काम चल जाएगा इससे। और ये दिए भी काफ़ी तेल ताल के कारण काफ़ी चिकने हो रहे, ये साल पुराने भी हो गए, पुट्टी से अच्छी तरह से सूख भी जाएंगे और इनकी गंदगी जो है, ये दियो की चिकनाई की गंदगी जो है ना, ये भर भी जाएगी अच्छी तरह से। फटाफट फटाफट पहले वाइट सारे में मार दूँ पुट्टी का हाथ, सू हवा भी चल रही है वैसे तो यहाँ, और सूखता भी रहेगा अच्छे से और इसकी गंदगी पुट्टी से अच्छे से दब जाएगी। वैसे तो वाइट कलर भी कर सकते थे इसमें, बस मैंने सोचा कि वाइट पुट्टी कर दूँ, अच्छे से हो जाएगा, होने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ब्रश भी ज़्यादा सही से काम नहीं कर रहा, पुराना है ना तो जो भी है मोटा मोटा सही कर रही थी। तो मैं ये कैमरे तक ये पहुंच नहीं रहा था, तो इसके दिए के नीचे जिससे कि आप लोगों को भी देख सके मैंने डब्बा लगा लिया, थोड़ा स्टैंड सा बन गया डब्बे से, डब्बा रख रखा है इसके नीचे, तो इसके नीचे मैंने रख दिया डिब्बा। अब मैं कर रही हूँ कलर, ये देखिए पुट्टी कर ली मैंने, ज्यादा टाइम तो नहीं लगने पुट्टी पट्टी में। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो पुट्टी करी थी तो ये बिल्कुल सूख चुकी है, अब हम इस पर करेंगे और दूसरे कलर। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसके ऊपर पहले एक हाथ वाइट उसका और फेर दूँ, वाइट का ही दोबारा फेर दूँ, क्योंकि ये जो पुट्टी करी थी पुट्टी से तो ये हुआ जो नीचे की इसकी चिकनी चिकनाटी दिए में तेल वेल की या जो भी गंदगी थी वो तो सारी उससे दब गई। अब इसके ऊपर वाइट करने से क्या होगा, फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए मैं वाइट कर दूंगी तो इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें एक्रेलिक का वाइट कलर कर रही हूँ, और उसके बाद जो भी कलर करना होगा वो कर देंगे हम। अभी तो कर रही हूँ मैं एक्रेलिक का वाइट,
फटाफट से कर देते हैं हम व्हाइट कलर। हाथ में पकड़ के करना पड़ेगा क्योंकि ढंग से पता नहीं चल पा रहा कहाँ होगा और कहाँ नहीं, तो हाथ में पकड़ के करेंगे तो एक ही कोने से अच्छे से हो जाएगा। देखिए नीचे से यहाँ उगे नहीं थे। हम करते हैं यहीं पर अपने ब्लू का अंत, जो कल को फिर मिले हैं एक नए ब्लू के साथ। अब मेरा ये कलर का भी काम पूरा हो गया है और अब मैं इसको धूप में रख दूँ सुखाने के लिए और एक दो घंटे में धूप में ही सूख जाएगा अच्छे से। और मैंने गीला ही इसमें पकड़ रखा है तो देखिए कलर भी यहाँ से देखो हट गया है, तो ये डर रहता है। चलो ये तो मैं ठीक कर दूँगी, लेकिन फिर भी अब मैं इसको रख देती हूँ धूप में।